छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी डायरेक्टर संदीप राठौर से अभी पूछताछ जारी है। अब तक इस चिटफंड कंपनी के 8 आरोपी डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य 5 फरार आरोपी डायरेक्टरों को गिरफ्तारी शेष है। दरअसल चिटफंड कंपनी साई सुंदरम मालव परिवार स्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर आरोपी संदीप राठौर को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। आरोपी डायरेक्टर संदीप राठौर को भोपाल मध्य प्रदेश से किया गया गिरफ्तार। थाना भाटापाड़ा शहर पुलिस टीम द्वारा लगातार 5 दिनों तक मध्य प्रदेश के सीहोर एवं भोपाल में कैंप कर पकड़ा गया आरोपी डायरेक्टर को विभिन्न समयावधि में 2 गुना राशि देने का झांसा देकर कराया था राशि जमा। थाना भाटापाड़ा शहर में चिटफंड कंपनी के विरुद्ध FIR किया गया दर्ज। तक इस चिटफंड कंपनी के 8 आरोपी डायरेक्टरों को किया जा चुका है गिरफ्तार। पुलिस टीम द्वारा लगातार 5 दिनों तक मध्य प्रदेश के सीहोर में भोपाल से कैंप कर साइबर सेल की तकनीकी टीम की मदद से आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस द्वारा लगातार चिटफंड के फरार डायरेक्टर्स की पता तलाश करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में भाटापाड़ा शहर में पंजीबद्ध अपराध साई सुंदरम मालवा चिटफंड कंपनी के विरुद्ध है, जिसके लिए टीम गठित कर भोपाल रवाना किया गया था। टीम पिछले 5 दिनों से वहां लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः उन्हें एक डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। डायरेक्टर का नाम है संदीप राठौर और साई सुंदरम मालवा परिवार कंपनी के द्वारा भाटापाड़ा शहर और पूरे जिले के जो में लगभग 3,48,00,000 जो रकम दुगना करने के रूप में ठगी किया गया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और साथ ही 2 अन्य आरोपियों को PSL इंडिया भोपाल से इंडिया पलारी थाने में अपराध पंजीबद्ध है, उसमें भी फॉर्मल गिरफ्तारी दोनों की गई है। इन्हें प्रोडक्शन रिमांड पर जो पूर्व में जेल में निवृत्त थे वहाँ से ला करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गिरफ्तारी किया गया है। तो कुल 3 आज डायरेक्टर चिटफंड कंपनी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और शेष अन्य डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी है जो भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।